राफेल डील में घोटाले का आरोप कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर लगाती रही है और अब राफेल डील पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ऑडियो जारी करके बड़ा धमाका किया है। दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो कुछ दिन पहले ही गोवा कैबिनेट की मीटिंग का है, जिसमें मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। राफेल डील से जुड़ी सारी फाइलें उनके घर में हैं। राफेल घोटाले में अब गोवा की भाजपा सरकार के मंत्री ने सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा किया है और भ्रष्टाचार की सारी परतें उजागर कर दी हैं। कुछ दिन पूर्व हुई इस हंगामेदार बैठक में गहमा गहमी के बीच जिस प्रकार से गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर पदेन रहे श्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं, उनके बेडरूम में उनके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। उनका यह कहना राफेल के भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की आज पुष्टि करता है कि राफेल में हर स्तर पर गड़बड़ झाला है, जिसके लिए चौकीदार ही जिम्मेवार है। कांग्रेस का दावा है कि इस ऑडियो में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे की आवाज है, हालांकि ये साफ नहीं है कि गोवा के मंत्री किस व्यक्ति से बात कर रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये ऑडियो टेप राफेल को लेकर कांग्रेस पार्टी के आरोपों की पुष्टि करता है। वहीं गोवा सरकार में मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा है कि उन्होंने कभी राफेल के मुद्दे पर किसी से इस तरह की बातें ही नहीं की। आपको बता दें कि नए साल पर अपने पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राफेल पर आरोपों को साबित करने की चुनौती कांग्रेस पार्टी को दी थी। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।